बांग्लादेश में अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग पर बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल्ला हसन ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। आज यानी 10 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को दोपहर 1 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से परामर्श करने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। कानून के जानकारों की माने तो कानून मंत्रालय ने बताया है कि छात्रों और नागरिकों के हालिया विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच जितने भी मामले दर्ज किए गए थे वो सब मामला वापस लेने का फैसला लिया गया है। ये कदम आगामी 3 दिन के भीतर उठाया जाएगा। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश हसन ने सर्वोच्च न्यायालय के दोनों प्रभागों के सभी न्यायाधीशों के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन छात्रों के विरोध को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश हसन ने बैठक स्थगित कर दी और बाद में कहा कि वह पद छोड़ देंगे। सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों के एकत्र होने पर बांग्लादेश सेना के जवानों को सुप्रीम कोर्ट परिसर में तैनात किया गया। दोपहर करीब 1 बजे सेना के जवानों को मुख्य भवन, एनेक्सी भवन और सुप्रीम कोर्ट के आसपास के अन्य इलाकों में तैनात किया गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने का भी आह्वान किया था। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश हसन ने शीर्ष न्यायालय परिसर में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने देश के हालात के बीच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों के न्यायाधीशों की सुरक्षा को देखते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इस्तीफा देंगे, इस पर हसन ने कहा कि ये उनका फैसला है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बाद शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद 84 वर्षीय नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को अंतिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। देखना ये होगा कि क्या मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हालात सामान्य होते हैं या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।